तर जाऊया मैदानावरती. दामत इंडियन्स वर्सेस दामत रॉयल, नाणेफेकचा कौल जिंकला या ठिकाणी. दामत रॉयलने एजंट फाइटर रत्नागिरी, कॅप्टन जाफन फाइटर जाफन माफर याच्याकडून पारितोषिक येतोय. चौकार षटकार विकेट रेटिंग 100 वजा पारितोषिक असणार. बघूया हा पारितोषिक कोण प्राप्त करणार. तो जाऊ मैदानावरती. आपण पाहतोय दामत इंडियन्स वर्सेस दामत रॉयल. चेंडू घेऊन जायचे दामत इंडियन्स संघाची फलंदाजी आपण पाहणार आहोत. दामत रॉयल क्षेत्ररक्षणासाठी तयार झालाय. नाणेफेकचा कौल जिंकलाय. प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय फलंदाजीला आपण पाहिलं गेलं. दामत इंडियन्सला या ठिकाणी आमंत्रित केले. पंच सज्ज झालेत. नवीन पंच आहेत मित्रांनो, सांभाळून घ्या. आतापर्यंत आपण पाहिलं गेलं हा पाचवा सामना आहे. पहिला सामना आपण पाहिलं गेलं डेल डेव्हिसने विजय प्राप्त केला. दुसरा रॉयल, तिसरा किंग्स इलेवन, चौथा सामना सी एस के ने प्राप्त केला. तर पाचवा सामना पाहूया आजच्या दिवसातील पाचवा. यानंतर अजून तीन सामने आहेत, म्हणजे हा सामना पकडल्यानंतर चार सामने अजून आहेत. गोलंदाज आपण पाहतोय या स्पर्धेचे आयोजक अखिल. अखिल आपण पाहतोय स्ट्राईकला येतो. शादाब नॉन स्ट्राईकला येतो. जक्की या ठिकाणी पहिला चेंडू कटकण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. एसटी रक्षक या ठिकाणी सज्ज होतो. चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण या ठिकाणी पाहिलं. आकीप एसटी रक्षणाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. शाहरुख एस्ट्रक्चरच्या पाठीमागे चांगल्या प्रकारचं कलेक्शन पाहतो. आपण दोन चेंडू निर्धाव पाहिला गेल्या ते तर गोलंदाजी करण. जर दामोद संघामधलं गेलं तर दामोद संघामधून नेहमीच आक्रमक गोलंदाजीचा धुरा जो अखिल आणि खुरम आज एकाच संघातून या ठिकाणी खेळताना दिसतात. या ठिकाणी पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न केला. लगातार तिसरा चेंडू निर्धाव आपण या ठिकाणी पाहिलं गेलं. बघितलं मयुरेश सर बालूला मदत करायला मी कबीर सरांना पाठवलं होतं. तर बालू म्हणाला नाही आहे, मी आता जेवण करून घेतोय. दोन मिनिटात जेवला. पुन्हा एकदा कॅमेऱ्यावरती सज्ज झालंय. तर कबीर सर आपण यायचंय व्यासपीठाकडे, कारण तिकडे बाबूचं काम तर संपलंय, आता तुमचं काम इकडे चालू. त्यामुळे तुम्ही व्यासपीठाकडे यायचे. लगातार तीन चेंडू निर्धाव आपण या ठिकाणी पाहतोय.
सुरेख गोलंदाजी गोलंदाजी कशी असावी तर अखिल याच्या गोलंदाजीसारखी दिसावी, तीच गोलंदाजी आपण या ठिकाणी पाहतोय. पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजी करतोय, थोडासा शॉर्ट राहिला, चेंडू वाड्यामध्ये फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटचा अंदाज नव्हता पण बॅटवरती चेंडू आला, टायमिंग थोडंसं चुकलेलं दिसलं. पण एक धाव संघाचं खातं खोललं जातं एका धाव्याने. बुफरान सरफराज नजे आमच्या सोबत जोडला गेलाय, तो म्हणाला का गेले कित्येक दिवस आम्ही या स्पर्धेची वाट पाहत होतो आणि पुढच्या वर्षी जरूर या स्पर्धेमध्ये मी खेळताना दिसेल. म्हणजे सरफराज नजे यांनी सांगितलंय पुढच्या वर्षी बुफरान इथे खेळायला दिसेल, मग त्याला कुणीतरी घ्या खेळायला. पण बुरहान हां या ठिकाणी कट केला चेंडूला, एक डाव. ही मेहनत बघा ना, एसटीच्या पाठीमाग जे क्षेत्ररक्षण करतात. शाहिद सुंदर क्षेत्ररक्षण करतो शाहिद, शाहिदला आम्ही नेहमीच नेरल प्लॅटफॉर्मला पाहत असतो हमेशा. मुजाहिद आहे ना, ओके. शादाब स्ट्राईकला असलेला फलंदाज, पाच चेंडू दोन धावा धाफलकावरती लागले गेला. शेवटचा चेंडू असेल पहिले षटक पॉवर प्लेचा षटक. या ठिकाणी बाहेर जाणार चेंडू, आहा क्या बात आहे. पंचांनी झप दिशा हात उंच केले, दोन समांतर केले, सांगितलं स्वेअर माराय. असे तर दोन चार वेळा केले तर नजे साहेब झेंडू बॉम्ब लागेल त्याला. पंचाला असे दोन चार केले तर एवढ्या जोरात केले. स्कूलमध्ये नाही का कवायत करतोय, करता ना कवायत बुफरान केले ना कवायत, तसं कवायत प्रकार या. ह्या ठिकाणी कट केला, गॅपमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, एकच धाव आणि एका धावेने आपण पाहतो एक स्वेअर तीन सिंगल. धावसंख्या जाऊन पोचले स्कोअर कार्डवरती, ज्या धावा पाहिजे त्या धावा दिसल्या नाही, फक्त ना फक्त चार. प्लीज गाणं पण बघा ना, एक दोन तीन चार पाच छे सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा, जे अकरमबाईंनी पहिल्या सामन्यातील पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा दिल त्या गाणं पण त्याच्यावरती बनलंय. अकरमबाई कुठे गेले, थोडेसे नाराज झाले असतील. हा नाराज झाले असतील कारण कृपया रेल्वे लाईन क्रॉस करू नका, एक लोकल गाडी पास होते, कृपया ट्रेन क्रॉस न कीजिए. खुर्रम खुर्रमची तारीफ करावी जेवढी कमी असणार. लाजवाब गोलंदाज आहे, बघू आज कशा प्रकारे कामगिरी करणार. या ठिकाणी ओरपिच मध्ये चेंडू होता, हवाई सपार झालं, फटका निघालं, खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू जातो सी मा रे शपार. चार धावेसाठी हा नशीबवान मोफतचा फुकटचा चौकार. क्षेत्ररक्षण केलं तर तुमचे मित्र अफजल म्हणाला असे जेल सोडत जा, 1000 रुपये संध्याकाळी रोज माझ्याकडून घेत जा. चार धावा आल्यात पहिल्या चेंडूवरती. या ठिकाणी फाईन शॉट केलेला आहे चेंडू झाला सी मारेशा पार्टी बॅकवर्ड स्क्वेअर रिझर्व मध्ये चेंडू झाला फरार, पुन्हा एकदा सुंदर चौकार. थँक्यू केजन फायटर रत्नागिरी कर्णधार जे या ठिकाणी उपस्थित, त्यांच्याकडून पारितोषिक आलंय. जर चौकार हॅट्रिक झाली तर 100 वजा पारितोषिक असेल शादाबसाठी. बघूया शादाब हे 100 रुपये या ठिकाणी घेणार का. सुरेख चेंडू कम बॅक, कभी चले बल्ला कभी चले गेंद, ब्लॉकला टाकलेला चेंडू, ब्रह्मास्त्रचा वापर केला आणि निर्धाव चेंडू या ठिकाणी.
स्कोर कार्ड आपण पाहतोय, दोन चौकारच्या साहाय्याने 12 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलंय. आत्तापर्यंत गोलंदाजचे 12 वाजवले फलंदाजांनी, दोन चौकार गेले, त्याला साथ दिली क्षेत्ररक्षकांनी. पुन्हा एकदा ब्लॉक लगातार ब्रह्मास्त यॉर्कर लाईन चेंट आउट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. ज्याप्रमाणे भारतीय संघामध्ये एक नवदीप गोलंदाज एक सुंदर गोलंदाजी करतोय, ब्लॉकॉल टाकतोय नवदीप सैनी, सुंदर गोलंदाज सापडलाय. त्यानंतर जसप्रीत बुमराह सारखा अजून एक गोलंदाज भारतीय संघामध्ये सामील होतोय. फुलटा चेंडू टायमिंग जुळला नाही, जणू काय दुपारचा नाचा हा उपास. त्यामध्ये फलंदाजाला भेटला नाही शॉटचा तपास करणे. एक धाव पूर्ण झाली, धावसंख्या जाऊन पोचली ती 13 या आकड्यावरती. शेवटचा चेंडू आहे दुसऱ्या षटक प्रगती पथावरती. या ठिकाणी पाहतोय 14-14 म्हणताना 14-चा गणित ठरला. फलंदाज बाद झालाय शादाब माघारी परतला. झटका पहिला झटका पहिला आदरा पहिला गडी करत पहिल्या विकेटचं पतन झालं. कमी गोलशी चिपकवलं शादाबला या ठिकाणी. बाटची कडा घेतली, फलंदाज बाद झाला. अखिलने कोणत्या प्रकारची गलती केली नाही. त्या अखिलने पहिल्या षटकात 4 धावा दिल्या होत्या, त्याला कुठे विकेट प्राप्त झाला नव्हता. पण खुरमने जरी 10 धावा खर्च केले असतील, एक विकेट प्राप्त केलाय. म्हणजे विकेटची पाठी कोरी ठेवली नाही, आपल्या खात्यामध्ये एक विकेट केलं. उरान सरफराज यांचा मुलगा म्हणतोय एकता टायगर तो म्हणजे अभित खोत कधी जाणार मैदानावरती. कशाने पैज लावले, त्यांनी शर्त लावले खुरमच्या विरोधात फलंदाजी करायची. पण तो खुरम षटक संपूर्ण तर बाजूला झाला, यानंतर उर्वरित गोलंदाज असतील. पण अखिल वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय ना, आपल्या संघासाठी काय कामगिरी करणार. वन डाऊनच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय अखिल अकीब. एवढा टाइमपास नका करू मित्रांनो, अजून ही मॅच संपल्यानंतर 3 मॅच आहेत आपल्याकडे. अखिलचा पुढचा चेंडू आपण पाहतोय, पंतांच्या उजव्या साईडनी गोलंदाजी करतोय. या ठिकाणी स्वेअर मारा, पंताने सांगितलं खराब चेंडू स्वेअर मारा, एक्स्ट्रा धाव, फोकटची धाव, मोफतची धाव. स्कोर कार्ड जाऊन पोचलाय तो 15 या आकड्यावरती. 15-15 हा 15चा आकडा पण राजकारणामध्ये खूप गाजला. मयूर एका रात्री मयुरेश धावसंख्या 16 या 15 आमदार एकीकडे गेले, 4 दिवसाचं सरकार बनलं पडलं पण लगेच. म्हणजे 15 आकडा पण खूप मजबूत आहे. धावसंख्या जाऊन पोचली ती 16 या आकड्यावरती. उर्पी चेंडू होता, लॉंग ऑफ झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल, एक धाव घेतली जाते. स्कोर कार्ड 18 या आकड्यावरती. प्रशांत देशमुख या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे. प्रशांत आपलंही DPL मध्ये मनापूर्वक हार्दिक स्वागत. तर मौलानाजी या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. अक्रम टिवाले यांचे पप्पा आहेत, ते वडील आहेत, त्यांना आपण व्यासपीठावरती आमंत्रित करूया. शॉर्ट पिच चेंडू आहे आणि या ठिकाणी बघितलं सुंदर झेल शाहरुख, क्या बात आहे.
तीन चेंडू या ठिकाणी झालेत, चार धावा खर्च केल्यात, एक मौलिक विकेट प्राप्त झाला आहे. स्कोर कार्ड 18 आकड्यावरती अजूनही थांबलंय. अखिल वर्सेस अभित ए फॅक्टरमध्ये हा सामना आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू या ठिकाणी कट केलाय चेंडूला, पॉईंट रिझनमध्ये एक धाव. नाही काही का नाही सवय आहे दादा, अजूनही आपण ग्रामीण क्रिकेट खूप सुधारणा झाले, खूप म्हणजे खूप सुधारणा झाले, पण मिराज अजूनही शत्ररक्षक जागच्याकी चेंडू डेट करतो जो त्याला अधिकार नसतो, आणि त्याप्रमाणे चेंडू डेट पण होत नसतो, पण तरी पण ते जागच्याकी चेंडू डेट करत बसतात. कवा झाली धाव, असं जर बाउंड्री लाईनला असतं ना तीन धावा कधी जन्मत आल्या असत्या. पहिल्याच चेंडूला चेंडू डेट झाला, दोन धावा नाही चल चेंडू डेट झाला असं नसतं मित्रांनो. जोपर्यंत गोलंदाज यष्टीरक्षणकडे चेंडू पोहोचवणं गरजेचं असतं आहे, पॉपिंग क्रीजपर्यंत चेंडू पोहोचवणं गरजेचं असतं आहे, तरच तो चेंडू आपण पुढे काही निर्णय पंच देतोय. धावसंख्या 19 या ठिकाणी जॅकीच्या बॅटच्या ओव्हरात आलेला चेंडू, टायमिंग जुळलं नाही, सूत्र जुळलं नाही, बबलो तो कोणत्याही प्रकारची कधीच गलती करत नाही, एक सुंदर शतरक्षक आहे. जसे भारतीय संघामध्ये डावखुरा रवींद्र जडेजा, तसंच या संघामध्ये हा बबलू शतरक्षण करत असतोय, ज्याला प्रेमाने सगळे छोटा डॉन म्हणतात, तो बबलू सुंदर झेल घेतोय आणि फलंदाज जकीला माघारी धरतोय, झटका देतोय तो इंडियन्स या. धन्यवाद डीजे, 19 हवेवरती पुन्हा एकदा झटका दिला. अखिल आपल्या खात्यामध्ये विकेटचा वर्णन करतो. गुरुनाथ सर या ठिकाणी उपस्थित झालेत, आमचे सर्व शेलूचे मित्र या ठिकाणी, त्यांचं सर्वांचं मी मनाच्या अंतकरणाने तहदिलचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा, षटकाची समाप्ती झाले, षटक संपले या ठिकाणी, तिसरं षटक या ठिकाणी समाप्त झाले. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते 19 या आकड्यावरती. गुरुनाथ सर या ठिकाणी उपस्थित झाले, धन्यवाद गुरुनाथ सर. गुरुनाथ सरांनाही माहिती आहे एक झेल सुटल्यानंतर किती काय करामत होते, खूप काय घडलं जातं, खूप काय इतिहास घडलं जात आहे. एक षटकार जर शेवटच्या चेंडूवरती पडलं खूप काय होतंय, कारण अनेक खेळाडूंना घडवलंय या गुरुनाथ सरांनी, आणि ते या व्यासपीठावरती विराजमान झाले. डिफेल तर्फे तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपण या ठिकाणी आलात आयोजकांच्या वतीने आपलं शब्दशः या ठिकाणी स्वागत करतोय. चौथं षटक आपण पाहतोय प्रगतीपथावरती येणार. चौथं षटक कोणाच्या हातामध्ये असणार, कोणता गोलंदाज या चौथ्या षटकामध्ये वापरला जाणार, या ऐकूया, हे पाहूया डीजेच्या एक सुंदर संगीतानंतर. छेडघ्या उपर रे डरग्या का गुटर कबूतर रे, आता कबूतर कोण म्हणणार, गुटर 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 कोण करणार, हे पानरोत मैदानावरती काय घडणार काय बिघडणार हे आपण पानरोत. पण या ठिकाणी तीन षटकामध्ये 19 धावा फरकावरती लागले गेलेत. गोलंदाज जाबीत आपण पाहतोय, या ठिकाणी फुलटॉस चेंडू आहे, बबलू चेंडू गोळा येतोय. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं टायमिंग जुळलं नाही, कलेक्शन जुळलं नाही आहे. दोन धावा या ठिकाणी, थ्रो सुरेख होता, कलेक्शन सुरेख होतं, चेंडू फेकी सुरेख होती, पण दोन धावा या ठिकाणी घेतल्या जातात. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते 21. जावीद हा गोलंदाज आपण पाहतोय, स्ट्राईकला येतो फलंदाज नबील अडाल, चेंडू निर्धाव खेळतोय. दामत रॉयल डॉमन इंडियन्स, एकीकडे अभित खोट दुसरीकडे खुरम, आणि सर सांगतो खुरमनी या मैदानावरती पहिलं अर्धशतक फटकवलं, 20 चेंडूमध्ये 57 धाव फटकवल्यात, 18 चेंडूमध्ये 54 धावा या ठिकाणी फटकवल्या गेल्यात.
सल्लू आपण प्यार किया तो डरना क्या पिक्चर मध्ये पण क्रिकेट पाहिलं, म्हणजे सलमान खान पण क्रिकेट खेळताना दिसला, हम आपके कौन मध्ये पण तो क्रिकेट खेळताना दिसला, म्हणजे सल्लू भाई पण क्रिकेट खेळतो हे सिद्ध झालं. जावीदचा चौथा चेंडू, या ठिकाणी फुलटा चेंडू स्टेप आउट करून फिट करण्याचा प्रयत्न, आपण बबलू या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा झेल करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. वन बाउंस चेंडू उचलला जातोय, एक धाव. एका धावेने आमचे स्कोर नितेश सांगतात धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22. चौथं षटक आहे, चार चेंडू झालेत, म्हणजे 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला फक्त. या 8 चेंडूवरती किती धावा कुठले जाणार, किती मोठं आव्हान असणार. अभितने तर सांगितलं होतं हम ये करेंगे वो करेंगे तो कब करेंगे, हा तो ये वक्त आहे, दाखवून दिलं ताकद. तो सांगतोय समालोचकाला कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे, अभी वक्त आया मैं अभी करूंगा. या षटकात त्यांनी हात खोलण्याचा मौका आणि मोक्यावरती मारला छक्का, चेंडू झाला सीमरेषा पार, 7 धावांसाठी षटकार आणि या षटकारच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन. अभितला सुवर्ण संधी, आमचे गुरुनाथ मसने सर यांच्याकडून पारितोषिक येतोय. आणखी एक षटकाराला अभितकडून लागोपाठ, तर 500 रुपयाचा पारितोषिक असणार. गरज आहे दादा, त्या 500 रुपयाची पण गरज आहे, संध्याकाळी खूप मोठी सोय होते आणि प्लस या संघासाठी पण खूप मोठी गरज आहे, धावसंख्या इथे उभारायची आहे तर षटकार येणं गरजेचं असणार. या ठिकाणी ओरपीस चेंडू आहे, हवाई सफर आहे, बबलू चेंडू परत येणार का या ठिकाणी. जरी गुरुनाथ मस्ते सर यांच्या 500 रुपये या ठिकाणी काबीज केले असेल, आपल्या अकाउंटमध्ये टाकले असेल अभित नाही, पण संघासाठी खूप मोठ्या बिग 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 सुपर से ऊपर ऊपर से डुपर षटकार या ठिकाणी अर्जित केलाय. आणि या 6 धाव्याने आपण पाहतोय धावसंख्या जाऊन पोहोचली 34. गुरुनाथ मस्ते दादा यांचं पारितोषिक मिळवलं अभितने आणि धावसंख्यामध्ये आकार दिला. येणारे 6 चेंडू कशा प्रकारे असणार, 6 चेंडू म्हणजे गुरुनाथ आम्ही नेहमीच बोलतो हान सख्या तुझी बारी करायचं षटक, म्हणजे 6 चेंडू मध्ये फक्त जमीन खोदायची आहे, काय नाही करायचं, बॅट आणि चेंडूचं टायमिंग दुलायचं आहे, ताकद लावायची आहे, चेंडू सीमारेषा पार जाणायचं आहे. कारण उर्वरित फलंदाज शिल्लक भरपूर आहेत, 4 फलंदाज बाद झालेत, म्हणजे अजून किती आउट व्हायला लागतील, 6 तर ऑलआउट होईल. पण 6 होण्यासाठी 6 च्या 6 चेंडू विकेट टाकावं लागतील, म्हणून इथं प्रत्येक चेंडूवरती चौकार षटकारची गरज असणार. हे येणार का हे पाहूया डीजेच्या संगीतानंतर. या षटकामध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 34. या ठिकाणी शॉर्ट पिच चेंडू आहे, बिरकावून दिला फाईन रिझन मध्ये, शतरक्षक चेंडूचा पाठला करत तत्परी चेंडू जातो वन बाउन्स सी मारे शापार, 4 धावांसाठी हा पुन्हा एकदा सुंदर. साठी 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल गुरुनाथ मस्ते सर यांच्याकडून. आणि अर्थात बघितलं गेलं तर सर या जी शतरक्षण करतोय तो रॉयल संघ, यांनी मागच्या सामन्यामध्ये 64 धावा कुठल्या होत्या आणि खुरमने अर्धशतक ठोकलं होतं, तर त्यांच्या विरोधात फलंदाजी करताना या ठिकाणी धावा कुठणं खूप गरजेचं असणार. आणि त्या धावा कुठताना आपण पाहतो एक महत्वाचा विकेट शकलेन हा माघारी परतला नवीन फलंदाज, मी पाहतोय या मिराजला शेवट परत का ठेवला जातोय, हा आक्रमक फलंदाज याला कधीतरी आगे कूद करा, एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू असतात दामत संघाचा, जसा छोटा पॅकेज बडा धमाका शोएबला आम्ही म्हणतो, सादला म्हणतो. आणि हा मिराज मेहराज धावसंख्या जाऊन पोहोचली 38. 38 तीनाच्या बाजूला 8. पुढचा चेंडू या ठिकाणी अभितचा, पुढचा एक चेंडू आहे बघूया, हा जर षटकार आला तर तिसरा षटकार असणार का. या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण जरी जेल सोडला असेल
एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, आता सहा धाव घेणं खूप मोठं गरजेचं पडणार, सहा धावा। तरी गुरुनाथ सर षटकार अटिक झाले असतील, सहा घेतलेत आता, टेन्शन घेऊ नका, आम्हाला माहिती आहे जर धाव पूर्ण झाली असती, धावसंख्या जाऊन पोचली ती 44 चारावरती चार, चाराच्या बाजूला चार, तीन चेंडूचा खेळ शिल्लक, लगातार तीन षटकार झाले, जरी षटकार अटिक नसेल पण सहा धावा आल्या। तीन चेंडूचा खेळ शिल्लक, यानंतर आपण ऐकणार आहोत हिंदीचा तोफखाना कबीर सर अत्तारी। एक धाव घेतले गेले, या ठिकाणी एक धाव घेतली गेली, अभित स्ट्राईक घेतोय, मिराजला वापस पाठवलं, कुठे गेला होता मिराज, त्याला एक तरी चेंडू खेळण्याचा होता, आता धावायला कोण जाणार, दोन चेंडू शिल्लक आहेत, चार चेंडू झाले, धावसंख्या जाऊन पोचली ती 45, दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक असणार, या ठिकाणी फुलटॉस चेंडू फिरकावून दिलाय खुराम, फक्त चेंडू कडे पाहत बसणार क्षेत्ररक्षक झाला दर्शक, दर्शक होईल क्षेत्ररक्षक, चेंडू झाला सी मारे शपार। तर अभित खोत साठी पारितोषिक असेल एक षटकार आला तर कव्वा भाई यांच्याकडून 100 रुपये। टायमिंग जुळलं नाही, थोडस शॉर्ट राहिला चेंडू, एक धाव पूर्ण, छोटा पॅकेट त्या ठिकाणी तैनात, दोन धावा पूर्ण, तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धाव होतोवर, अभित खोत नॉट आउट राहिला। अभित त्याने सांगितलं गुरुभाई खुरमला सांगितलेला मी वाट लावणार, त्यांनी त्या पद्धतीने फटकेबाजी केली, धावसंख्या जाऊन पोचली ती 53-54 धावाचं आव्हान, म्हणजे मोठं आव्हान आहे, बिग आव्हान आहे, त्यासाठी पाहिलं गेलं अभित ज्याने फटकेबाजी करताना 28 धावा। आणि आपण ऐकणार आहेत पुन्हा एकदा हिंदीचा उलटाणी तोफखाना कबीर सर अत्तारी, या पुढच्या इनिंगसाठी असतील तत्पर, आपण आमंत्रित करूया टॉससाठी, मी गुरुनाथजी मस्ते सर यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभा असते नाणेफेकचा कौल करायचे, दामत KKR वर्सेस दामत किंग्स, दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉससाठी यायचे, दामत KKR वर्सेस दामत किंग्स, दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकसाठी या ठिकाणी यायचे, 54 टू विन, 5 षटकांचा सामना आहे, 30 चेंडू आहेत, 54 धावांची गरज, या धावा कशा प्रकारे कुठल्या जाणार, या धावा कशा प्रकारे होणार, पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी, प्रेक्षकांसाठी मेजवानी, दामतकरांचा चप्पान चप्पा तंत्रशुद्ध फलंदाज नमुना कशा प्रकारे आहे, गोलंदाज काय करणार, क्षेत्ररक्षक काय करणार, फलंदाज काय करणार, प्रेक्षक काय करणार, व्यासपीठावरती मान्यवर काय करणार, हे सांगण्यासाठी सर्वांचे गमतीदारपणा आणि नेहमीच एक पहाडी आवाज हिंदीचे मुलतानी तोफखाना कबीर सर अत्तारी व्यासपीठावरती येत आहेत, आणि त्यांचा आवाज आपल्या पुढच्या
पाच षटकांत असणार. दोपहर का वक्त यहाँ पर शुरू है, 3:30 बजने में अभी 6 मिनट बचे हुए हैं. सभी लोग पेट पूजा करके यहाँ पर आए हुए हैं. अभी चलता हुआ मैच रॉयल्स वर्सेस इंडियन, ये दोनों ही टीम के दरमियान है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियंस ने 54 रन बनाए हैं. 55 रनों का टारगेट जो है वो रॉयल्स के सामने रखा हुआ है. रॉयल के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना हो चुके हैं खुर्रम और अब्दुल कादिर. पहला ओवर लेकर आएंगे मिराज, राइट आर्म ओवर द विकेट और बेहतरीन फील्डिंग यहां पर सजाई हुई. बॉलर के लिए हवा का भी काफी साथ यहां पर नजर आ रहा है. पहली गेंद लेकर खुर्रम के लिए बेहतरीन गेंद, लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर का कोई यहां पर इशारा नहीं. अंपायर इतने मजबूत है कि अपने जगह से टस से मस भी नहीं हो रहे हैं. काफी मजबूती के साथ वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे दोनों ही अंपायर. लेकिन अंपायर की तो भी कह सकते हैं टोपी थोड़ी हवा से हिल रही है, लेकिन मेन अंपायर जो खड़े हुए हैं हवा कितनी भी जोरदार आए वो हिल नहीं सकते यहाँ पर, इस तरह से वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं. दूसरी गेंद यहाँ पर फुल टॉस थी, खेला इसे बैकवर्ड पॉइंट में गई जब तक नबील गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन लेने का समय. तो इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर इजाफा होता हुआ 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के रॉयल्स का. 55 रनों का पीछा करती हुई नजर आ रही है रॉयल्स. फिर से एक बार मिराज और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, कॉट बिहाइंड की अपील की जा रही है अंपायर से. खुर्रम भी काफी होशियार है, काफी होशियार बल्लेबाज खुर्रम और काफी होशियार उनके पीछे खड़े हुए विकेट कीपर आबिद भी हैं. जानते हैं कि खुर्रम की विकेट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं. और इस बार फिर से एक बार जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए लगातार हर गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे मिराज. पैरों से टकराई गेंद, लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर मिलेगा. इस एक रन के साथ 4 बॉल की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के. अच्छी और बेहतरीन गेंदबाजी हर गेंद पर करते हुए नजर आ रहे मिराज. जानते हैं 55 रनों का पीछा करना है रॉयल्स को, 54 रनों का पीछा करना है रॉयल्स को. और पहली गेंद, पहली ओवर काफी किफायती करते हुए और बेहतरीन डिलीवरी फिर से एक बार. अंपायर का इशारा, दोनों हाथों को खोल दिया, वाइट का इशारा कर दिया अंपायर ने कि ये गेंद आपने ऑफ स्टंप से काफी बाहर डाली है. तो इस वाइट के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 4 नजर आ रहा है 4 गेंदों की समाप्ति के बाद. अभी तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है. 5वीं गेंद लेकर इस बार एज लगी है, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर नजर आई जकी नजे.
बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी, बेहतरीन लेट कट कहा जाएगा इसे, अब्दुल कादिर के बल्ले से निकला लेकिन चार रन होने से रोक लिया यहां पर जकी ने। तीन रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए। खुर्रम को अगर विकेट लेते मेराज इस गेंद पर अभी तो मुदस्सिर की ओर से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। मेराज की आखिरी गेंद और इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट, बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए। क्यों यहां पर आए, अपना वक्त, कीमती वक्त यहां पर दिया, धन्यवाद। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है रॉयल्स के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल्स ने बनाए हैं 11 रन बिना किसी नुकसान के और खुर्रम अपने उसी फॉर्म में नजर आते हुए जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में, पहली मैच में अपना इनिंग जहां से छोड़ा था वहीं से इस इनिंग को शुरू किया है खुर्रम ने। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी एक छक्का लगाया है अपनी इस इनिंग में। टीम का टोटल है 11 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे मास्टर अनवे साहेब तुम्हें तैयार, और उस दरमियान बेहतरीन डिलीवरी यहां पर सरफराज, ये एक खतरनाक तोप है इस टीम के अंदर, अगर चल गई तो सबकी धज्जियां उड़ा देंगी और अगर नहीं चली तो खुद की धज्जियां उड़ जाती है। इस तरह की तोप है सरफराज नजे, उन्होंने दिखा दिया है। इस बार उन्हें दूसरे ओवर के लिए लाया और दूसरे ओवर में अपना काम कर दिखाया है, पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया है अब्दुल कादिर को और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। वन डाउन के स्थान पर जा रहे हैं बबलो। इस दरमियान सरफराज की दूसरी गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा किया अंपायर ने। इस वाइट के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 1.1 बॉल की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। भोईर साहब से विनती है कि वो स्टेज पर आ जाए। जाबिर भाई शायद उनका अगर साथ में लेकर आएंगे तो ही आएंगे वो, अगर जाबिर भाई वहां बैठे हुए तो वो भी अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। और इस दरमियान फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, अपनी हलचल की वजह से परेशान करके रख दिया है सरफराज को बबलू ने। फिलहाल दोनों ही भाई स्टीव व मार्क व यहां पर मैदान में नजर आ रहे हैं। खुर्शीद भाई बाहर बैठ के दोनों बच्चों का तमाशा देख रहे हैं, आराम से ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं। फरहान भाई, खुर्शीद भाई वहां बैठे हैं, हवा खा रहे हैं, दोनों बच्चे मैदान में धूप खा रहे हैं। एक बच्चा तंदुरुस्त नजर आ रहा है और दूसरे को कुछ खिलाया ही नहीं है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन फिलहाल मैदान की ओर चलते हैं। फिर से एक बार, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक बैट पर लिया इस गेंद को,
अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग में, और जब तक फील्ड होती है एक रन लेने का समय, इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 14 हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। खुर्रम को लाकर स्ट्राइक पर खड़ा कर दिया है। अब सरफराज, हर साल मैं सुनता हूँ कि ये लास्ट DPL खेलने वाले हैं, लेकिन हर साल वो वैसे ही चुस्त नज़र आते हैं। सरफराज जब क्रिकेट शुरू होता है तो अलग सी उनके अंदर एक हलचल पैदा होती है, चाहे वो तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, बस बॉल हाथ में लेना है और डालना है। इस बार हवा में गई है गेंद, क्या खिलाड़ी पकड़ पाएंगे, और पकड़ नहीं, ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर शादाब के हाथों से, मुझे लगता है कैच ड्रॉप हुआ है, और बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर छोड़ दिया है, बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर छोड़ दिया है शादाब ने। पछताना पड़ेगा, और क्या पछताने लायक बल्लेबाजी करेंगे खुर्रम या फिर सरफराज फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी में कुछ अलग दिखाएंगे और खुर्रम को आउट करने में सफलता हासिल करेंगे। सरफराज फिर से एक बार अपने ओर, राइट ओवर द विकेट, और इस बार भी हवा में गई है डीप स्क्वायर लेग में, खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर एक रन लेने का समय, इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 17 हो चुका है 17। संदीप गायकवाड़, महाराष्ट्र आंकड़ा यहां पर आ चुका है 17। इस वक्त किसको खतरा हो सकता है, सरफराज इस स्कोर से खतरे में आ सकते हैं, या बल्लेबाज सलमान नजे इस 17 के खतरे पर टल जाएंगे, देखना है कौन क्या करता है। चौवा, छक्का, सिंगल, विकेट, व्हाइट बॉल से इस खतरे को टाल दिया है, नहीं विकेट कीपर के लिए खतरा आता हुआ नजर आया है विकेट कीपर के लिए, और 4 रन, बॉल तो वाइड थी, विकेट कीपर के लिए खतरा बन चुका ये स्कोर, और 17 के साथ 5 रन जॉइंट हो जाएंगे इस स्कोर बोर्ड पर, और 5 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 22 हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। बार लेग स्टंप पर थी ये गेंद, बाल बाल बच गए यहाँ पर सलमान नजे, विकेट उड़ सकती थी, लेकिन बाउंस जो है वो सरफराज की गेंद में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं, वहीं के पिच की आदत है उन्हें, वहीं पर गेंदबाजी ज़्यादा की है उन्होंने, उसी तरीके से यहाँ पर भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार बेहतरीन प्लेसमेंट, दिशा दे दिए सिर्फ फाइन लेग की तरफ, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक विकेट के नुकसान पर, अब बची हुई 18 गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर रॉयल्स के लिए 9+ है, देखना है किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अब बची हुई 3 ओवर में जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है, 9.30 के रन रेट से खेलना रहेगा यहां पर रॉयल्स को, किसी ओवर में 9, किसी ओवर में 10, किसी ओवर में 9, तो इस तरह से इस मैच में जीत हासिल कर सकती है रॉयल्स। क्या अपने टारगेट से आगे जाएगी या अपने टारगेट से पीछे आकर खेलेगी, फिलहाल मेराज एक बेहतरीन गेंदबाज है इस टीम के, हो सकता है इस ओवर में सिंगल डबल से निर्भर रहेंगे,
खुर्रम जानते हैं कि अगर मेरी विकेट जाती है तो मैच काफ़ी मुश्किल में आ सकती है, इसके लिए बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, आसानी के साथ सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात हैं, एक ही रन मिलेगा, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, कलेक्शन विकेट कीपर का अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन, और अब जीतने के लिए और 27 रनों की जरूरत है। 13 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं, अब आने वाली 17 गेंदों में 27 बनाने हैं। ये टारगेट काफ़ी मुश्किल होता है, शुरुआत में तो आप बल्लेबाजी हिटिंग कर लेते हो, लेकिन अंत में जब वक्त आता है बॉल टू रन का तो वो मैच काफ़ी टेंशन वाला हो जाता है। इस बार रिवर्स किया है, गेंद फील्ड भी किया लेकिन डायरेक्ट हिट करने का कोई प्रयास नहीं। अगर एक रन यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए था, क्योंकि खुर्रम की विकेट आपके हाथ में लग सकती थी, अगर विकेट पर बॉल लग जाती तो खुर्रम की विकेट ज़रूर मिल जाती, लेकिन अगर नहीं लगती तो एक ही रन का नुकसान होता था, लेकिन अगर विकेट पर लगती तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता था। तो ये सोचा नहीं खिलाड़ी जकी ने और छोड़ दिया उस रन के लिए, कोई थ्रो नहीं किया। एक रन मिलेगा अगली गेंद लेकर, मेराज तैयार, फुल टॉस, गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया है, मुझे लगता है गेंद सी मारे का से निकल जाएंगी बाहर 4 रनों के लिए। इंडियंस का बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि मैच छोड़ दिया है उन्होंने शायद, और क्लीन बोल्ड, यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है, खिलाड़ियों से कोई उम्मीद नहीं रखी यहां पर मिराज ने, और अपने ही गेंदबाजी में अपना ही हुनर दिखाते हुए खुर्रम को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन में भेज दिया है। दिखाओ फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट जरूर करेंगे, जानते हैं अब खुर्रम की विकेट ली है और कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बढ़ चुका है यहाँ पर मिराज का। अगली गेंद लेकर शोएब के लिए, फुल टॉस, गेंद खूबसूरत शॉट, पॉइंट की दिशा से निकाल दिया है गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मास्टर अगली गेंद लेकर मिराज शोएब के लिए, इस बार वाइट बॉल का इशारा किया अंपायर ने, इस वाइट के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 37 हो चुका है। 37 फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए मिराज इस ओवर की अंतिम बॉल लेकर आएंगे। 14 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक, और इस बार भी गेंद वाइड बॉल, अंपायर से बहस ना करें, जो डिसीजन अंपायर का है उसे
मानते हुए आप अपने बॉलिंग मार्ग पर चले जाएं। अच्छी अंपायरिंग होती हुई नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल इसे बाहर खेलने का प्रयास नहीं किया, प्लेस भरा और एक रन लिया। इस एक रन के साथ तीन ओवर समाप्त हुए हैं और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन, दो विकेट के नुकसान पर। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन में आ चुके हैं। 12 बॉल बचे हुए हैं और 15 रनों की जरूरत है। तो अब किस तरह से गेंदबाजी होगी, कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएगा? दो गेंदबाज तो हमारे सामने हैं, आबिद और शादाब। तो अब इन दोनों में से कौन से गेंदबाज से ये ओवर कराया जाएगा, जो निर्णायक जिसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। अगर देखा जाए तो अंतिम ओवर से पहले सेकंड लास्ट ओवर होता है, उससे पहले वाला ओवर होता है, जो लास्ट ओवर होता है उससे पहले जो ओवर डाला जाता है वो ओवर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ओवर के लिए कौन सा गेंदबाज जिम्मेदारी लेगा? तो मुझे जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं आबिद, जो चौथा ओवर लेकर आए हैं, क्योंकि इस गेंदबाज को लास्ट ओवर के लिए रन बचाने होते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर होता है। अब 12 गेंदें बची हुई हैं, दो ओवर बचे हुए, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। तब आबिद जो है ये खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, तो देखना होगा कि अब लास्ट ओवर के लिए आबिद कितने रन बचा पाएंगे, अपने अगले गेंदबाज के लिए कितना कुछ रख पाते हैं आबिद, ये देखना रहेगा। थोड़ी बहुत मिसफील्डिंग जिसका खुमियासा जरूर भुगतना पड़ेगा यहाँ पर इंडियंस को, जो कैच ड्रॉप हुआ खुर्रम का, उस कैच की वजह से भी काफी कुछ यहाँ पर सहना पड़ेगा इंडियंस की टीम को। उस कैच पर 2 रन, उसके बाद जो खुर्रम ने हल्ला बोला वो भी रन उसमें जोड़े जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाएगा कि आबिद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अगर कंजूस गेंदबाज साबित हुए तो रॉयल्स, तो इंडियन के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा अंतिम ओवर में। अगर दयावान गेंदबाज हुए सरफराज नजे, अगर आबिद दयावान गेंदबाज हुए तो इसी ओवर में आपको कमर से हाथ हटाना पड़ेगा। फिलहाल टेंशन में नजर आ रहे हैं सरफराज, जब भी टेंशन में होते हैं तो कमर पर हाथ रखते हैं। अब टेंशन में है, कमर पे हाथ रखा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि गेंदबाज आबिद है। आबिद ऐसे गेंदबाज है कि चमत्कार कर सकते हैं, दोनों ही गेंदबाज आबिद और शादाब, ये दोनों ही गेंदबाज ऐसे हैं कि ये चमत्कार करने वाले गेंदबाज हैं। एक तो नैया के इस पार या तो फिर नैया के उस पार, ये दोनों ही गेंदबाजों में वो क्षमता है। काफी लंबा रनअप है आबिद का, दौड़कर आ रहे हैं और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा किया एम्पायर ने। इस वाइट के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 40 हो चुका है। अभी तक 13 के रन रेट से खेलते हुए नजर आई है यहां पर रॉयल्स की टीम। अगर उसी रन रेट से खेलती जाएगी तो इस ओवर को, इस ओवर में तकरीबन मैच को समाप्त कर लेगी। और इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और आज कैच ड्रॉप, 4 रन। लग नहीं रहा है कि अपने एक्सपीरियंस को यहां पर झोंक रहे हैं, क्योंकि जकी के एक्सपीरियंस के आगे तो उसका एक्सपीरियंस कम ही नजर आता है। जब जकी अपना एक्सपीरियंस वहां पर झोंक रहे हैं तो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है कि सुफियान अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, जब बॉल और रन दोनों सेम जगह पर आकर रुकते हैं उस वक्त बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होता है, और वही मुश्किल वक्त फिलहाल इन दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज आबिद के सामने आकर रुका हुआ है। गेंदबाजी करना भी मुश्किल और बल्लेबाजी करना भी मुश्किल। एक बॉल अगर डॉट हो जाए तो बल्लेबाज टेंशन में, सिंगल रन आए तो गेंदबाज टेंशन में। और इस बार भी अच्छी डिलीवरी, एक रन मुझे लगता है आसानी के साथ पूरा होगा। क्या दूसरा रन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, दूसरा रन पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस एक ही रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों को
संतुष्ट रहना पड़ेगा। और ओवर की मुझे लगता है समाप्ति भी हो चुकी है, अब 6 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की ज़रूरत है। और हमारे मुजम्मिल भाई, इनका भी ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शोएब बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल तो ले भी रहे हैं और कभी डॉट भी हो रहे हैं। अब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए, जब ये मीटिंग जमी है तो ज़रूर ब्लड प्रेशर तो ओनर का बढ़ना ही है। अब ये मीटिंग जमी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर टिप्स दिए जाएंगे। अब शायद आपको जब 6 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की ज़रूरत थी तो काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी शादाब ने की थी, क्या उसी तरह की गेंदबाजी इस मैच में देखने को मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, शादाब की गेंदबाजी बताएगी। फिलहाल शादाब राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए यहां पर तैयार। तो सेकंड लास्ट ओवर में कह रहा था इंपॉर्टेंट है, तो आधे रन आबिद ने खर्च कर दिए हैं, आधे रन यहां पर रखे हुए हैं शादाब के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7 रन रखे हुए हैं, लेकिन उन लोग चाह रहे होंगे उनके टीममेट्स के रन लास्ट ओवर में अगर ज्यादा होते तो और बेहतर होता, ज्यादा हो सकते थे अगर वो कैच ड्रॉप नहीं हो।